तो ये चुनाव ऐसा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो चौटाला परिवार से, जेजेपी की जो उम्मीदवार हैं आपकी बहू लगती हाँ बहुत लगती है तो नहीं। नैना चौटाला, वो बीजेपी से, दूसरी बहू सुनैना चौटाला। तो कांग्रेस के लिए कोई कैंडिडेट था नहीं क्या घर पे? अच्छा दोरे मेरे भतीजे हैं, बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं। नहीं अच्छा देखिए, चौधरीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, वो अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने वीपी सिंह को बनाया, चंद्रशेखर को बनाया, मुलायम सिंह लालू मैं को बीच में बनाया। थोड़ा सा टोक रहा हूँ, हालांकि जो जयप्रकाश जी आपके मुकाबले में खड़े हैं वो कह रहे हैं मैं भी तो देवीलाल जी का ही शिष्य हूँ। जो देवीलाल के जीवन काल में अगर सबसे बड़ा कोई दबा था तो वो जयप्रकाश था। अच्छा महम जो इलेक्शन हुआ था, जो देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर थे और मैं मेंबर पार्लियामेंट था। जो महम का कांड हुआ था, उस एक महम के कांड में उसमें ग्रीन ब्रिगेड का ये मुखिया होता था और ग्रीन ब्रिगेड बहुत बदनाम ब्रिगेड थी हरियाणा में, पूरे देश में बदनाम थी। और महम कांड में जो कुछ हुआ वो सारा ही जयप्रकाश का काम था, ग्रीन ब्रिगेड का काम था। जो देवलाल की इतनी बड़ी सल्तनत को अगर जीरो करने का काम करे तो इस जयप्रकाश ने करा। और ये जयप्रकाश का मैं, क्योंकि चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, पर अगर उत्तराधिकारी की बात करते हैं, हम तो जन्म से हैं, उन्होंने तो जो देवलाल की जान लगाई है, वो हमारे बाप हैं, हम उन्हें कंधा दे के लेके गए थे, इसका क्या लेना देना। जयप्रकाश कोई टीकाराम की मोबाइल, ये क्या कहते हैं जो मशीन, ये गेहूँ काटने की मशीन होती है, वो चलाया करता था। कहाँ चौधरी देवीलाल, कहाँ ये मेरे दादा, मैं ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब उनका जो ब्रिटिश टाइम का क्लेम है उसको हम खारिज करते हैं। ब्रिटिश टाइम के वक्त चौधरी देवीलाल के नाम, मेरे दादा के नाम 1800 एकड़ की, तब तो कांग्रेस सरकारें नहीं थी, देश ही घरे अंग्रेजों के नीचे था। 1800 एकड़ की ज़मीनें थे जो हमारी, बढ़िया बागवानी का काम है, बढ़िया काम है, ये कहीं है ही नहीं हमारे, कहीं खानदान में नहीं, परिवार में नहीं, हमारे पड़ोस में नहीं, कहीं गांव के नज़दीक नहीं, कहीं बरादरी में नहीं। काय का उत्तराधिकारी है, 20 बार इसने अपनी लॉयल्टी बदली। पहले ही ओम प्रकाश जी के साथ था, ओम प्रकाश जी से चल के ये फिर मेरे पास आ गया, मेरे से बदल के जो बंसीलाल के चला गया, फिर सीताराम जिंदल के चला गया, फिर भजनलाल जी का चला गया, फिर उसके बाद बदल के हुडा साहब पे चला गया।